बहुत देर तो एक कल्पना जो मैं आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान बैठे ने बहुत अच्छे राइटर बैठे ने थे, एक आम इंसान ने जड़ी कल्पना की थी वो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। शायद तो मैं अपने अंदर दब के रखा थी, पर मन बहुत से थी कोई ऐसी स्टेज हो गई जितनी मैं अपनी ये फीलिंग जाहिर कर सकूं। एक छोटा सा बच्चा हूं बड़े गरीब परिवार को, मेरे फादर भी मतलब अगर कोई भी सिर्फ माँ के छोटी सी बच्ची का अच्छा करके बहुत ही गरीब या परिवार चुकी बोल माँ बैठी बिल्कुल सिंपल सादा सी आया हुआ। माँ अपनी बेटी को स्कूल भेजती है तो बच्ची, क्योंकि मैं काफी सरकारी स्कूल जाती रहती थी उस तरह दी बच्चियां मेरे माइंड में आती रहती है, तो बच्ची जब स्कूल जाती स्कूल जो हैंड राइटिंग करती है उड़ाड़ा लिखती है टीचर उड़ाड़ा पंजेबा पै गया मेरी मां ने सोहना पहरावा पाया जो उसने उड़ाड़ा मेनू समझाना खत्म किया जो मेनु ਬਿਆਰੀ ਸਿਆਰੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ करना बहुत जरूरी है जिहदे विच असीं मां नूं बहुत सोहना लिखी। कोई भी राइटर आ उहनूं जदों वेखे कि उहने लिखिआ ते उह अगे किवें वाकई राइटर आ ते इहदे पंजाबी दा इक इक जिहड़ा अक्खर आ उहनूं किद्दां मोतियां वांग पिरोया ते असीं इस दर्जे दा मां नूं सोहना बना के रखना, मां नूं शुद्ध रखना, जो भी असीं कर रहे इहदे नाल जोड़दे हां इस मां नूं हमेशा ही सजा के रखना। जो असीं ऐसियां कवितावां लिखो, ऐसी सोच लिखो, ऐसी फिल्मांकन करो, ऐसियां शॉर्ट मूवीज बनाओ कि जेहदे विच बच्चे प्रेरित होण कि असीं अपनी मां बोली पूरी हैंडराइटिंग भी लिख सकदे। असीं हमेशा सोहणा लिखांगे, इहनूं हमेशा शुद्ध लिखांगे क्योंकि इह वाकई साडी मां आ, जिहड़ा प्यार सानूं साडी मां नाल आ। किसी मां नूं कदे गंदा नहीं देख सकदे, उहनूं सब तों सोहणा बना के रखो, उहदा अच्छा रिश्ता हो, उहदा कदे डिसऑनेस्ट नहीं हो सकदी। बहुत बहुत शुक्रिया।